Hello friend, I'm Samadhi back with a new tutorial video regarding soil mechanics. In my last video, I talk about capillary zones. ये आपका GL है, अगर ये आपका water level है, then capillary zone, zone 1, zone 2 ऐसे कुछ diagram ने हम draw किया था, याद आ रहा है? तो last कुछ video में मैं capillary of soil मतलब बहुत डिटेल से बात कर रहे हैं और वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत कुछ बात कर लिया हमने. एच बात कर लिया, कैपिलरी प्रेशर जैसे गामा एच का बात कर लिया, उसके बाद आपका हो गया पॉजिटिव पोर प्रेशर, नेगेटिव पोर प्रेशर और ये कैपिलरी फ्रिंज, बहुत कुछ बात कर लिया. बट इस वीडियो में पहली बार मैं कैपिलरी को मतलब कैपिलरी ऑफ सॉइल को माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. सो इन दिस वीडियो आई गोना टॉक अबाउट नंबर 1 कॉन्टैक्ट मॉइस्चर. एकदम माइक्रो लेवल में बात करेंगे एज वेल एज अपेरेंट कोहेशन. 90% स्टूडेंट को डाउट होता है यार क्वेश्चन क्या चीज़ होता है और अपेरेंट क्वेश्चन क्या चीज़ होता है. क्वेश्चन तो यार आता नहीं है तो अपेरेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है. मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के बाद अपेरेंट क्वेश्चन चीज़ होता क्या है आप कभी नहीं भूलोगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट, एनरिच योर नॉलेज. इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट, बिकॉज आई एम कमिंग विद दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे, बिकॉज मोर नॉलेज मोर अपॉर्चुनिटी. सो फर्स्ट बात करेंगे कॉन्टैक्ट मॉइस्चर के बारे में. ठीक है, मान लो दिस इज वन सॉइल पार्टिकल, दिस इज अनदर सॉइल पार्टिकल, ओके, और दिस इज योर वाटर. पानी तो ब्लू होता है, अच्छा ब्लू है पानी, पानी क्या गाना है ना. दिस इज वाटर, दिस इज सॉइल पार्टिकल. दिस वाटर कॉन्टैक्ट विथ एडजसेंट दिस टू सॉइल पार्टिकल, ये सर नो राइट, ओके. सो इन लेमन लैंग्वेज कैपिलरी वाटर, ये अगर कैपिलरी वाटर हो गया तो कैपिलरी वाटर ये दो एडजसेंट सॉइल के कॉन्टैक्ट में है. सो दिस पर्टिकुलर वाटर एंड दिस पर्टिकुलर वाटर known as contact capillary water. ठीक है, मतलब if there is a two soil particle, वो दो soil particle के अंदर जो available void space है वो void space के अंदर अगर पानी आ गया तो दैट इज कॉन्टैक्ट कैपिलरी वाटर. ठीक है, चलो तो फर्स्ट पॉइंट सॉर्ट आउट हो गया. अब हम बात करेंगे अपेरेंट कोहेशन. ये बड़ी मजेदार कंसेप्ट है. फर्स्ट तो हम कहना चाहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोहेशन. कोहेशन मतलब आई नो I make a video regarding cohesion and adhesion. There should be I button. You just go and check. Cohesion का मतलब यही होता है, दो सेम पार्टिकल है और उन दोनों के बीच attraction force को कहता है cohesion. As simple as. तो ये apparent cohesion कहाँ से आ गया? देखो, इसके लिए मैं diagram थोड़ा bigger draw कर रहा हूँ. ठीक है, ये पानी है. अगर ये पानी है तो पानी की यहाँ पे कौन काम करेगा? टी एंड टी, दिस टी नोन एज ए सरफेस टेंशन. ठीक है, सो ये पानी का जो सरफेस टेंशन काम कर रहा है वो क्या खींच रहा है? राइट, खींच रहा है ना. और इस तरफ सेम खींच रहा है.
अगर कोई सिस्टम में कोई टेंशन फोर्स काम कर रहा है तो वही सिस्टम में फॉर मेंटेन द इक्विलिब्रियम कौन आएगा? कंप्रेशन फोर्स आएगा। क्यों? बिकॉज सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सरफेस टेंसर जितने एक्ट करेंगे और जितने खींचेंगे तो ये कंप्रेशन फोर्स ये दो सॉयल पार्टिकल को नज़दीक आने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर कोएशन का कंसेप्ट क्या है, दोनों बी पार्टिकल ए पार्टिकल दोनों के अंदर का जो फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स दैट इज यू नोन एज ए कोहेशन, राइट? सो इन दिस सिचुएशन ड्यू टू सरफेस टेंशन सिस्टम में टेंशन फोर्स जेनरेट हो रहा है, इसीलिए सॉयल सरफेस में फोर्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कंप्रेशन फोर्स जेनरेट हो रहा है। इसीलिए दो पार्टिकल, जैसे मान लो ये आपका ए ये बी, दोनों पार्टिकल अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, सो ये जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट इज नोन एज योर एपरेंट कोहेशन। Why it is called apparent cohesion? Because if surface tension is not working, then this force is not coming in the picture. If this force is not coming in the picture, then these compression force didn't generate. So if didn't generate, then soil actually may there will no cohesion. But as there is generating surface tension and there is generating as if for equilibrium compression there is generating cohesion, but this cohesion particular depend on capillary or aap keh sakte ho this is some artificial cohesion, that cohesion is known as apparent cohesion. This is not an inherent cohesion which find in clay or silt. So these contact pressure gives rise to phenomenon. So this phenomenon, so this whole phenomenon is known as your apparent cohesion. Concept clear हुआ ना? तो मान लो आपने you want to write the definition, okay? तो आप क्या लिखोगे? तो आप simple language में ये लिख सकते हो, due to capillary action between two adjacent soil particle there should be water, and due to water there create a surface tension, and maintaining the equilibrium two particles comes to each other, and this phenomenon known as the apparent cohesion. Okay, so guys, I know this is a very short video, okay? So I hope there is a no kind of doubt. So if there is doubt, do comment. I will definitely get back to you. And ये जो apparent cohesion का concept है ना, ये मतलब 90% लोगों को मतलब confusion रहता है, कि चीज़ें होता क्या है यार, ये तो बताओ पहले चीज़ें क्या होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा यार क्यों ना हम एक particular dedicated video बनाएंगे apparent cohesion के ऊपर और contact moisture के ऊपर। ठीक है, इसीलिए बस ये एक स्मॉल वीडियो बना दिया है। लर्न समथिंग न्यू टुडे बाय वॉचिंग दिस वीडियो। सो एक लाइक तो होना जरूर बनता है और शेयर कीजिए आपका दोस्त का ग्रुप में। स्टिल इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट बिकॉज आई एम कमिंग विद दिस टाइप्स ऑफ वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर नॉलेज मोर अपॉर्चुनिटी।